हेलो गाइस, आज हमारे टॉपिक का नेम है रोल ऑफ सुपर एक्ट। रोल ऑफ सुपर एक्ट। सुपर एक्ट एक ऐसा केमिकल है जो कि स्ट्रोन गाइलो सेंट्रोटस पर प्यूरेटिस स्पेशी से ड्राइव किया गया है। जब इस स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिसेप्टर साइट के साथ आके अटैच होता है तो जीसी जो होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है, जो कि क्या करता है, सीजीएमपी की फॉर्मेशन करवाएगा। सीजीएमपी का जब लेवल ज्यादा होता है तो वो पोटाशियम चैनल्स को ओपन कर देगा, जिसकी वजह से स्पर्म की मेम्ब्रेन जो है वो हाइपर पोलराइज हो जाएगी, जिसकी वजह से सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर एक्टिवेट हो जाएगा, रिजल्टिंग एन इंक्रीज इन पीएच। सोडियम हाइड्रोजन जो पंप है जब एक्टिवेट हो जाएगा उसकी वजह से पीएच जो होगी उसका लेवल ज्यादा हो जाएगा। एडिनाइल साइक्लेस इज एक्टिवेटेड, द सीएएमपी डेयर स्टिमुलेट ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम चैनल्स। कहते हैं कि सेकंड मैसेंजर जो होता है एडिनाइल साइक्लेस वो एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि सीएएमपी की फॉर्मेशन करवाएगा, वो आगे जाके कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देगा। हाइपरपोलराइजेशन और सीएएमपी क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है एसपीआईएच चैनल्स को, जो कि क्या करते हैं स्पर्म की जो मूवमेंट है उसे कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्लो चार्ट में सुपर एक्ट जब स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिसेप्टर साइट के साथ आके अटैच होगा तो सीजीएमपी का लेवल ज्यादा हो जाएगा, जो कि पोटाशियम चैनल्स को ओपन कर देंगे, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी। हाइपरपोलराइजेशन होने की वजह से सोडियम हाइड्रोजन पंप एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से पीएच ज्यादा हो जाएगी। बाद में सीएएमपी जो होगा वो ओपन कर देगा कैल्शियम के चैनल्स को, जो कि क्या करते हैं स्पर्म की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सुपर एक्ट है जो कि स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर के साथ आकर अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से सीजीएमपी की फॉर्मेशन होगी, जो कि पोटाशियम चैनल को ओपन कर देगा, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होगी। और इसके बाद ये सोडियम हाइड्रोजन जो होगा पंप एक्टिवेट हो जाएगा, पीएच ज्यादा हो जाएगी। आगे ये क्या करेगा, सीएएमपी की फॉर्मेशन करवाएगा, जो कि कैल्शियम चैनल को ओपन कर देगा, और एसपीआईएच चैनल जो होंगे स्पर्म की मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे। थैंक यू।